कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फेफसे का सालन, बकरे का फेफसा। तो मैंने दी हूँ कुकर को गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे मैं तेल डाल दूंगी, तीन दूंगा मैंने तेल डाली हूँ, उसको गर्मा लेंगे और कांदा मैंने ऐसा बारीक काटी हूँ, एकदम बड़ा बड़ा नहीं काटी हूँ, कचुमर में काटते ना वैसा बड़ा काटी। और यहाँ एक तरफ मेरा चावल भी बन रहा है। तो ये तेल गरम हो गया है, तो इसमें मैं अच्छे गरम मसाले नहीं डाल रही हूँ, डायरेक्ट कांदे से बगा, झटपट से बनता है, जल्दी से रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो कांदा यहाँ पे सॉफ्ट हो गया अच्छे से, वो और फ्राई करेंगे अच्छे से, हल्का ब्राउन होएगा जब भी इसमें मैं टमाटर डालूंगी। और टमाटर को भी मैंने काट ली हूँ ऐसे मीडियम साइज का, एकदम बड़ा भी नहीं काटी हूँ, छोटा भी नहीं काटी हूँ, बराबर काटी हूँ। वैसे भी वो कुकर में जाके अच्छे से गल ही जाएगा। तो ये हल्का ब्राउन होएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो व्हाइट है। तो ये हल्का हल्का हो गया, थोड़ा सा और होने देंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, मैंने 5 टमाटर ली हूँ और अदरक लहसुन पेस्ट ली हूँ 3 चम्मच, और गरम मसाला ली हूँ 1 चम्मच, और हल्दी आधा चम्मच, लाल मसाला पाउडर 3 चम्मच, और धनिया पाउडर 3 चम्मच, और नमक आधा चम्मच ली हूँ फिलहाल, लगेगा जब और लूँगी मैं। तो इसको मैंने सिलो पे रख के फिर ये सब मसाले निकाली, इसको फास्ट कर दूंगी और ये 2 मिनट में हो जाएगा, तब मैं इसको इसमें डालूंगी। तो डालने के टाइम आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये ब्राउन हो गया है, अच्छे से ब्राउन हुआ है। अभी इसको मैं, कांदा अच्छा फ्राई हो गया, अभी मैं इसको डाल दूंगी, ये टमाटर और ये मसाले हमारे जो मैंने आप लोगों को दिखाई हूँ। तो चलिए मैं डाल देती हूँ, सब एक साथ ही डाल दूंगी और इसको अच्छे से भून के फिर मैं उसको डालूंगी जो हमारा बकरे का फेफसा है उसको। पूरा सूखा हो गया, तो इस पे लगे हुए मसालों पे पानी डाल के फिर इसको साफ करके मैं इसमें डाल दूंगी। और यहाँ पे जो मैं अदरक लहसुन लेती हूँ और उसका पाउच ऐसे ही रख देती हूँ, तो अभी उसके पाउच में ये पानी डालूंगी और उसको भी डालूंगी, तो तब इसमें पानी हो जाएगा भूनने के लिए। तो चलिए मैं दोनों में पानी डालती हूँ और डालने के लिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मगर उससे पहले ये चूल्हे को करना पड़ेगा सिलो, तो मैं सिलो कर देती हूँ। तो इसके मसाले मैंने अच्छे से निकाली प्लेट से और इसको डाल देंगे। तो इसको मैंने अच्छे से हिला दी हूँ और इसमें डाल दी। ये वाला भी डाल दूंगी, इसे मेरे पास 3 पाउच है और सब में से मैंने थोड़ा थोड़ा अदरक लहसुन जो निकाली उसी में से निकाली हूँ तीनों में से, तो पाउच में अंदर लगा हुआ रहता है, उसको काट के निकालो, इससे अच्छा पानी डाल के उसमें हिला के उसको हम निकाल सकते हैं।
चला घूमने के लिए, इसमें पानी भी हो गया, अब इसको फास्ट कर देंगे और मसाले को भूनेंगे अच्छे से। मसाला अच्छे से भून कर ही इसको मैं डालूंगी, और इसको मैंने अच्छे से चार पानी से धोई हूँ तभी अच्छा वाइट हुआ। और ये दो फेफसा है जो मैंने लाई थी, थोड़ा भूनकर होएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मसाला भूनते हुए 5 से 7 मिनट हुआ और आधा मसाला भून गया है, टमाटर वगैरह गल गया है, बाकी पूरी अच्छी तरह से मसाला नहीं भुने गया है, तो उसको मैं फास्ट कर दूंगी और अच्छे से भूनूंगी। ये सूखा हो जाएगा पूरी अच्छे से, तब इसको डालना है। तो फास्ट से रखने से नीचे मसाला हमारा पकड़ रहा है, तो उसको अच्छे से हिलाएंगे और थोड़े थोड़े टाइम में हिलाते रहेंगे। तो यहाँ मैंने मसाला अच्छे से भुने हूँ, पूरा सूखा हो गया है, और अभी और भूनने जाएंगे तो जलने लगेगा नीचे, क्योंकि वो पकड़ रहा है, हिलाने पे भी वो मसाला पकड़ रहा है। तो तैयार अदरक लहसुन होता है ना, थोड़ा ऐसा होता है, क्या पता, इसलिए मैं जल्दी तैयार नहीं लेती हूँ। बाकी अभी महीने 2 महीने से मैं तैयार ही यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर, देखते हैं। लाएंगे अदरक लहसुन तो घर पे पीस के रखेंगे, और ये कुछ इसमें पानी छूटा है, पहले मैं निकाल लूँ फिर इसमें डालती हूँ। इसका पानी मैंने पूरी अच्छी तरह से निकाल दी हूँ, और अभी इसको डाल देंगे और हिला के 2 मिनट भून कर इसमें पानी छोड़ देंगे। इसको हरे मसाले में बनाते हैं ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले डाल चुकी हूँ शायद हरे मसाले वाला, इस चैनल पे डाल गया, उस चैनल पे कुछ भी नहीं मालूम, बाकी डाली हूँ मैंने। इसका सुक्का भी बना के डाली हूँ मैंने भुना टाइप में, आज सोच लाल मसाले वाला बनाती हूँ। इस तरह से बना लो, 2 टाइम का सालन बन जाता है, तो आप लोग भी अपने घर पे ऐसा कर सकते हो। तो इसको फास्ट पे ही भुनेंगे और इसको 2-3 मिनट भून के फिर मैं पानी डाल दूंगी। और हमारा चावल भी यहाँ पे तैयार हो गया साइड में। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, या क्या आप लोग को वीडियो देखना है, कौन सी रेसिपी आप लोगों को चाहिए मेरे चैनल पर, तो मैं उस तरह की रेसिपी लाऊंगी। तो इसको हमने बोले थे 2 से 3 मिनट भूनेंगे, बाकी ये अच्छा खासा टाइम लिया है, 5 मिनट के ऊपर ही हो गया होगा, और इसमें पानी छूटते ही जा रहा है क्योंकि ये फेफसा है, ये पानी छोड़ते रहेगा, इसको भूनते रहेंगे तो ये आधा घंटा ले लेगा अच्छा भूनने में। तो हम इसमें डाल देंगे पानी, तो ये हमारे मसाले वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए पानी डाल देती हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इस लोटे से मैंने 1 लोटा डाली हूँ पानी फिलहाल के लिए,
क्योंकि फेफसा पानी छोड़ता है और पानी छोड़ेगा तो फिर वो फूकर के बाहर आएगा, क्योंकि अभी इसका गलना बाकी है। मैंने अलग से इसको नहीं गलाई, क्योंकि कुकर में ये फटक से हो जाएगा। तो ये जब अच्छे से गल जाएगा तब मैं इसमें फाइनल पानी डालूंगी, जितना भी लगेगा, तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब इतना ही पानी अभी के लिए। तो अच्छे से मिक्स करिए, इसका नमक वगैरह देख लेंगे। तो इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक डाल दूंगी, और क्योंकि नमक कम था। पहले 1/2 चम्मच डाली, फिर 1/2 चम्मच डाली, और नमक अपने स्वाद अनुसार डाले, कम ज्यादा, क्योंकि मेरा चम्मच कोई गोल है, कोई चपटा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो ऐसा साइज का फर्क पड़ता है, तो इसीलिए। और नमक हम अपने टेस्ट में मतलब खाते हैं, उतना ही डालिए। तो इस कुकर को अब मैं बंद कर दूंगी इसके ढक्कन से, और 5 से 6 सीटी लूंगी और फिर खोल के देखूंगी। तो इसकी सीटी होएगी तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अभी सीटी आने वाली है, इसमें हवा भर चुकी है, तो मैंने सोची आप लोगों को दिखा दूँ इसमें आने वाली है सीटी। आज सोची आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँ, मगर थोड़ा काम है घर में, इसलिए यहाँ सीटी आ गई है, और सीटी होने देंगे, ठीक है। फिर जब सीटी हो जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दूसरी सीटी भी आ रही है। वैसे सीटी को पूरा लेना चाहिए, इस तरह से बीच में नहीं रोकना चाहिए, ढक्कन उड़ने का भी डर होता है, अगर बीच बीच में बार बार रोकेंगे तो वो उसकी हवा भर के नुकसान करता है। तो मैं इसकी सीटी पूरी होने देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ मैंने कुकर की हवा निकाल दी हूँ, इसको चेक कर लेंगे कि ये गला या नहीं। पानी तो है, तो इसको मैं एक प्लेट में लेती हूँ। यहाँ प्लेट है जिसमें मसाले निकाली थी, तो देखिए ये गल गया है, एक में से 2 हो गया। तो इसको वापस मैं इसमें डाल दी, उसको अच्छे से हिला देंगे ताकि कुछ टमाटर वगैरह आपके है, कांदा आपका है, तो वो अच्छे से हिलने के बाद वो मिक्स हो जाए, अच्छे से घुल जाए इसमें। अब इसमें हम फाइनल पानी डाल देंगे जितना हमको चाहिए। वैसे अगर रोटी वोटी से खा रहे हैं, रोटी वगैरह से, तो इतना गाढ़ा भी सही रहेगा, और हम चावल से खाने वाले हैं। और इसको सिलो पे थोड़ा पकाने वाली हूँ मैं, मेरा काम होने तक। तो इसको मैं पतला ही बनाऊंगी। तो एक बार मैं पतला सालन बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि गाढ़ा ही बनाती हूँ, पतला सालन भी अच्छा लगता है। और ये है हमारा फाइनल। तो इसके टाइम पे हमें नमक चखना है कि कैसा नमक कम ज़्यादा है। मेरा नमक बराबर है, इसको मैं हिला दी अच्छे से, इसको बंद कर देंगे। जो चूल्हा मैंने ऑफ करी थी उसको वापस ऑन करेंगे, और इसको 1 सीटी वापस से होने देंगे, और स्लो करके 5 से 7 मिनट रख देंगे। या एक जोश में भी अगर उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, मगर ये अपने आप में जब पानी में पकते रहेगा ना सिलो पे, तो जो शेरवे का टेस्ट है वो अच्छा आता है। तो इसको सिलो पे मैं पकाऊंगी, और जब फाइनल हो जाएगा तो निकाल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने इसको 10 से 15 मिनट सिलो पे रख दी थी, और अब मैं इसका ढक्कन खोलूंगी। इसकी हवा निकाल दी मैंने कुकर की, बहुत अच्छे से गल गया है ये। तो इसको इसमें डाल दूंगी, एक कटोरे में निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ।
तो देखिए ये मैंने एक कटोरे में निकाल दी हूँ और इसके ऊपर पुदीना डाल दी हूँ क्योंकि कोथमीर नहीं थी घर में। ये अच्छे से बन गया है, इसके ऊपर तरी भी आई है, ज़्यादा एकदम मैंने तेल नहीं डाली थी इसलिए कम ही तरी है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आसानी से बना, बहुत जल्दी बना, तो आप लोग भी ट्राई करिए ये रेसिपी। ये फेफसे की रेसिपी है, फेफसे के सालन की, जो बकरे का फेफसा होता है वो है। तो ये फेफसे के सालन की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हम सबको दुआओं में याद रखना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। Thank you.